हेलो बच्चों, दिस इज़ आर्या। वेलकम टू लर्न इट ऑल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है। हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। हम इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब हम प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू जो है इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में डिफरेंस भी देखेंगे और उसको पढ़ेंगे भी, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वो ग्लोबली जो है एक्सेप्टेड है, ठीक है, यूज़ होता है। तो आपको ये भी जानना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें दोनों की कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है, बस डिफरेंस कहाँ पर है, जहाँ पर 100,000 आ रहा है और मिलियंस आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इंडियन नंबर सिस्टम है, हम पहले देखेंगे वंस, ठीक है। वंस जो पीरियड है उसमें क्या रहा है, वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखिए, इसमें भी वंस में क्या रहा है, वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है। यहाँ पे तो सेम है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि पीरियड चेंज हो रही है तो अब क्या लग जाएगा, कॉमा, ठीक है। अब क्या आ रही है, थाउजेंड की पीरियड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ठीक। यहाँ पे भी सेम है, थाउजेंड, टेन थाउजेंड। लेकिन जब हम यहाँ पर इंडियन नंबर सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पर 10,000 के बाद क्या स्टार्ट हो जा रहा है, लैग का, ठीक है। यहाँ पे लैग का पीरियड स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 100,000, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे लैग में भी क्या है, लैग, 10 लैग। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या है, पहले तो 1,000, 10,000, 100,000, उसके बाद 10 लैग की जगह क्या हो गया है, मिलियंस। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में लैग के बाद जो है करोड़ की पीरियड है, करोड़ और 10 करोड़। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मिलियन के बाद क्या है, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसके आगे भी ये चार्ट है क्योंकि इसमें बिलियन भी आता है, लेकिन हमको अभी यहीं तक पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, वंस की पीरियड होती है, थाउजेंड की पीरियड होती है, लैक की पीरियड होती है और करोड़ की पीरियड होती है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम बच्चों देखेंगे वंस की पीरियड है, थाउजेंड की पीरियड है, लेकिन उसके बाद क्या है, बस मिलियंस की पीरियड है, ठीक। वहाँ पर चार पीरियड है, यहाँ पर 3 पीरियड है। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, वंस में क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम में वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक। वन के, वंस के लिए 1 डिजिट, टेंस के लिए 2, हंड्रेड के लिए 3, ठीक है। उसके बाद थाउजेंड देखेंगे, थाउजेंड हो गया, यहाँ पर एक कॉमा लग जाएगा क्योंकि पीरियड चेंज हो रही है, ठीक। फिर क्या हो गया, 10,000। फिर आते हैं लैख, ठीक, यहाँ पे क्या है, लैख, 10 लैख। फिर देखेंगे करोड़, उसमें क्या है, करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। ये तो हो गया इंडियन नंबर सिस्टम। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आप देखेंगे तो यहाँ पे वंस में तो सेम है जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में होता है, मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या है, थाउजेंड, 10,000, यहाँ तक तो आप देखेंगे सिमिलैरिटी है, लेकिन जैसे ही आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या है, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये याद भी करना होगा, क्योंकि समझ में तो आ गया है लेकिन याद करेंगे तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे ना अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो बच्चों, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जो है वैल्यूज़ पूछी जाती हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, 1 लाख की वैल्यू जो कि इंडियन नंबर सिस्टम में है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के किसके बराबर होगी, ठीक है। 1 लाख किसके इक्वल होता है, 100,000 के इक्वल होता है। 10 लाख किसके इक्वल होता है, 1 मिलियन के, ठीक। 1 करोड़ किसके इक्वल होता है, 10 मिलियन के। और 10 करोड़ किसके इक्वल होते हैं, 100 मिलियंस के, ठीक है। आई होप सो आप ये याद कर लेंगे। और मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर नहीं याद होता कि मिलियन की वैल्यू क्या है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले आप लिख दीजिए मिलियन, ठीक है, ठीक। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एन है, 0, 0, I, 0, L, 0, L, 0, 1, 0 और मिलियन पे क्या है, 1, ठीक। तो आप अगर ऐसे भी लिख लेंगे तो आपको मिलियन के डिजिट्स पता चल जाएंगे कि वो किस प्लेस पे क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो इस तरह से आप ये भी चीज़ कर सकते हैं,
ये ट्रिक है, आपको इससे जल्दी मिलियन की वैल्यू याद हो जाएगी। तो आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हम इसको पुट करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, पहले इंडियन बनाते हैं फिर इंटरनेशनल बनाते हैं और इसको हम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या जो है इसकी नेमिंग भी कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम, इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 10 करोड़ होंगे। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से 10 करोड़ होंगे। चलिए इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में भी रख के पुट कर देते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा और अच्छे से। तो सबसे पहले क्या होता है, वंस। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगी, आई होप सो आपको पता होगा मैंने किस चीज़ के लिए कौन सा फॉर्म बताया था। वंस में पहले क्या होता है, ओ मतलब वंस होता है, फिर हम रखेंगे टी फॉर टेंस, कैपिटल एच फॉर हंड्रेड, उसके बाद क्योंकि पीरियड चेंज हो जाती है इंडियन नंबर सिस्टम में, तो फिर आते हैं हम थाउजेंड पे। इसमें क्या होता है, टी कैपिटल टी और स्मॉल एच थाउजेंड के लिए, फिर कैपिटल टी और स्मॉल एच 10,000 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं लैक पे, इसमें क्या है, एल फॉर लैक्स और टी एल फॉर 10 लैक्स। फिर नेक्स्ट चलते हैं करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, करोड़ के लिए सी और 10 करोड़ के लिए टी और सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। वंस प्लेस पे क्या है, 7, टेंस प्लेस पे क्या है, 0, हंड्रेड प्लेस पे क्या है, 0, थाउजेंड प्लेस पे 8 है, उसके बाद 10,000 पे 2 है, फिर लैक पे जो है 6 है, 10 लैक पे 7 है, करोड़ पे 2 है और 10 करोड़ पे क्या है, 2 है। तो इस तरह से आपने देखा ना, हमने कितनी ईजिली जो है सबको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर लिया, और इससे आपको इजी हो जाएगा पता करना कि कौन सा कितने नंबर पे किस प्लेस वैल्यू पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम इसको नेमिंग दे देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 22, क्योंकि ये दोनों साथ में, तो हम डैश लगाएंगे। ठीक है, 22 करोड़, उसके बाद क्या लिखेंगे, 70, फिर डैश 6 लैक्स, ट्वेंटी, उसके बाद क्योंकि 8 उसके साथ है थाउजेंड वाली पीरियड में ही, तो 28,000, उसके बाद क्या है, 7। तो आई होप सो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, और इसके बाद हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखेंगे। तो बच्चों अब हम सेम एग्जांपल को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी लिखते हैं। पहले हमने लिखा इंडियन नंबर सिस्टम, अब हम लिखने जा रहे हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो इसमें क्या होता है, वंस, फिर क्या होता है, थाउजेंड्स, उसके बाद क्या होता है, मिलियन। अब वंस में हम क्या करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड,
100,000, उसके बाद पीरियड चेंज हो जाएगी, फिर क्या होगी मिलियन, फिर 10 मिलियन और लास्ट है 100 मिलियन। इसके बाद हम डिजिट्स को पुट कर देंगे इसमें। आप ये चार्ट बनाना सीख लीजिएगा, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए, वंस के प्लेस पे क्या है 7 है, नेक्स्ट क्या है टेंस पे 0, 100 पे 0, 1000 पे 8, 10,000 पे 2, 100,000 पे 6, मिलियन पे 7, 10 मिलियन पे 2, 100 मिलियन पे 2। ठीक है, अब हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में तो रख लिया और हमें पता भी चल गया कि ये 100 मिलियन तक है, लेकिन अब हमको इसकी नेमिंग भी करनी सीखनी होगी क्योंकि एग्ज़ाम से वो भी पूछता है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 200, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 200, देख लीजिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बहुत कम यूज़ होता है और डिफरेंट भी होता है। उसके बाद आते हैं 200 के बाद 20-7, ठीक है 227 मिलियन, फिर लिखेंगे हम मिलियन। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या है 600, क्योंकि वो 100 प्लेस पे है 600, फिर है 28, क्या है बच्चों 28, क्योंकि ये 1000 पीरियड है, जब ख़त्म होगी तो क्या लिखेंगे 1000, फिर लास्ट में क्या लिख देंगे 7। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कितनी पीरियड्स होती हैं, वंस, थाउजेंड, मिलियन, इसके आगे होती है लेकिन आपको यहीं तक पढ़नी है। वंस में क्या आएगा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड में क्या आएगा थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन में क्या आएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पे डिजिट्स दी हुई हैं, आप वंस वाली डिजिट को वंस के प्लेस पे रखेंगे, सेम जैसे हम इंडियन नंबर सिस्टम में फिलअप करते थे यहाँ पे भी फिलअप कर देंगे। अब हम नेमिंग पे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 200, ये 100 मिलियन की पोजीशन पे है ना, तो हम जो 100 वाले पोजीशन पे होगा उसको लिखेंगे 200, फिर इसको लेंगे 27 मिलियन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कैसे लिखेंगे 200 27 मिलियन, फिर नेक्स्ट पीरियड चुन जाएगी, फिर 600, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया 200 वैसे यहाँ यूज़ करेंगे 600, 28,000, उसके बाद लिख देंगे 7, क्योंकि यहाँ पर 00 है तो वो तो काउंट नहीं होगा, वो 1000 में ही आ जाएगा। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बच्चों, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है, इसमें क्या करना है राइट अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यूजिंग बोथ फिगर एंड वर्ड्स। तो हमें फिगर भी यूज़ करना है और वर्ड भी यूज़ करना है, और हम इसमें देखेंगे कि हम कॉमा कहाँ कहाँ पुट भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पहले लिखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, तो यहाँ में लिखेंगे हम इंडियन नंबर सिस्टम, पहले हम इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिएगा इसका। तो क्या होता है यहाँ पर वंस, फिर आते हैं थाउजेंड। अब यहाँ पे डिजिट हम पहले काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये करोड़ तक हो जाएगा, फिर लाख, उसके बाद करोड़। तो वंस के पीरियड में क्या होता है वंस, टेंस, हंड्रेड,
थाउजेंड में क्या होता है थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक्स में क्या होता है लैख, टेन लैख, करोड़ में क्या होता है करोड़ और टेन करोड़। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम डिजिट्स को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले कहाँ है, पीछे से काउंट करते हैं ना, वंस पे प्लेस पे क्या है नाइन, टेंस पे क्या है फाइव, हंड्रेड पे है फोर, थाउजेंड पे है टू, टेन थाउजेंड पे है वन, लैख पे है ज़ीरो, टेन लैख पे है टू और करोड़ पे क्या है फाइव। तो हमें करोड़ तक ही देखना था, हमने करोड़ तक फिलअप कर लिया। उसके बाद अब तो ये हो गया, अब हम इसको कॉमा की वैल्यूज़ में पुट करके देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे पीरियड चेंज होगी वहाँ पे कॉमा आपको लगाना है। देखिए यहाँ पर पीरियड चेंज हुई ना, लैख से हम करोड़ पे आ गए, तो हमने कॉमा लगा लिया, टू ज़ीरो, फिर कॉमा, क्योंकि यहाँ पर भी पीरियड चेंज हो रही है, वन टू, फिर कॉमा चेंज, फोर फाइव नाइन। तो आप ऐसे कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको किस में लिखना है, वर्ड्स में भी लिखना है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में भी लिखना है। उसके बाद ये करोड़ पे है तो क्या हो जाएगा, फाइव करोड़, फिर ये ट्वेंटी है ना, क्योंकि यहाँ ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि टेन टेन लाख पे है ये, तो ट्वेंटी लाख। उसके बाद क्या होगा, ट्वेल्व, थाउजेंड, फिर उसके बाद क्या होगा, फोर हंड्रेड, फिफ्टी नाइन। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही पुट करना है, मतलब नंबर्स को पहले प्लेस वैल्यू में चार्ट में पुट कर देना है, आपको प्लेसेस का पता चल जाएगा कि किस पीरियड में है, किस प्लेस पे है, हमें पता चल गया ना यहाँ पे करोड़ है। फिर उसके बाद हम उसको वर्ड्स में आराम से लिख सकते हैं, कैसे लिखना है हमने, फाइव करोड़ क्योंकि ये करोड़ प्लेस पे है, ट्वेंटी क्योंकि टू ज़ीरो ट्वेंटी लाख पे है ना, तो ट्वेंटी लाख, फिर ट्वेल्व है, वन टू क्या होता है ट्वेल्व, तो ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी नाइन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, इसको पुट करके प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं। तो बच्चों चलिए इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पुट करते हैं। तो हम ड्रॉ करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। पहले क्या होता है इसमें पीरियड, वंस, फिर क्या होता है थाउजेंड, फिर क्या होता है मिलियन। वंस में क्या क्या होता है, वंस में होता है वंस, टेंस, फिर आता है हंड्रेड, उसके बाद पीरियड चेंज हो जाती है, फिर आता है थाउजेंड, उसके बाद आता है टेन थाउजेंड, फिर आता है हंड्रेड थाउजेंड, क्योंकि हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हंड्रेड थाउजेंड होगा। उसके बाद आएंगे मिलियन पे, फिर आएंगे टेन मिलियन पे, उसके बाद हम आ जाएंगे हंड्रेड मिलियन पे। तो बच्चों हमने यहाँ पे चार्ट बना लिया है, अब हम इसको डिजिट्स को पुट कर देते हैं। वंस पे क्या है नाइन है, टेंस पे फाइव है, हंड्रेड पे फोर है, थाउजेंड पे टू है, टेन थाउजेंड पे वन है, हंड्रेड थाउजेंड पे ज़ीरो है, मिलियन पे टू है और टेन मिलियन पे फाइव है। तो देखा ना आपने कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने ईजिली नंबर्स को पुट कर दिया। आई होप सो आपको ये चीज़ आ गई होगी समझ में। तो चलिए नेक्स्ट हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, टेन मिलियन पे ना, अगर हंड्रेड मिलियन पे होता तो हम फाइव हंड्रेड लिखते, लेकिन अब ये टेन मिलियन मिलियन पे है तो हम क्या लिखेंगे, फिफ्टी टू। मैंने बताया था ना आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी, 52 मिलियन, उसके बाद
क्योंकि 100,000 पे तो कुछ है ही नहीं, तो हम 10,000 और 1,000 से काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 52 मिलियन, उसके बाद आ जाएगा 12,000, उसके बाद आएंगे 100 प्लेस पे 400, फिर है 59। और बच्चों इसमें हम कॉमा कैसे पुट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जहाँ पे पीरियड्स चेंज होंगी वहाँ पे कॉमा पुट करना है। तो 52 के बाद पीरियड चेंज हो रही है ना, क्योंकि 52 मिलियन है, उसके बाद 1,000 आ जा रहा है, तो हम 0, 1, 2, फिर 1,000 के बाद क्या है, पीरियड चेंज वंस की आ गई, तो 4, 5, 9। तो आप देख सकते हैं ना कैसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट में इजिली पुट करके उसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, उसमें कॉमा भी पुट कर सकते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कैसे पुट करेंगे। तो आई होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। इस तरह से नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया है, और आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और स्पेसिफिक टॉपिक या चैप्टर पढ़ाऊँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक या चैप्टर पर होगी। तो आई होप सो बच्चों आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, और नंबर सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।